Hey guys, so as we all know that EPG exam has got delayed and we are uncertain अभी भी कि when the exam will occur. So in this time of uncertainty, which preparation strategy you should be following is the most important thing. क्योंकि uncertainty के time पे बहुत सारे लोग hope को lose कर देते हैं and they think कि exam पता नहीं कब होगा and should we like keep on studying or we should take a rest or something. So uncertainty के time पे ही टॉप पर डिसाइड होता है. अनसर्टेनिटी के टाइम पर डिसाइड होता है कि हु विल द पर्सन हु कीप्स ऑन गोइंग विल डेफिनेटली सक्सीड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी. सो टुडे विल डिस्कस व्हाट थिंग्स यू शुड बी डूइंग इन दिस टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी. फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कीप रिवाइजिंग. यू कैन नॉट जस्ट स्किप दिस पार्ट, यू कैन नॉट जस्ट डू दिस थिंग कि अपने एग्जाम से एक महीने पहले बहुत रिवाइज किया तो यू कैन जस्ट लीव रिवाइजिंग और यू जस्ट स्विच टू ओनली क्वेश्चंस एंड जीटीज. यू हैव टू रिवाइज. चाहे आप एग्जाम से पहले 12 आवर्स रिविजन कर रहे थे पर डे एंड बाकी टाइम्स अपना क्यू बैंक एंड जीटीज को दे रहे थे, नाउ थोड़ा सा मिनिमाइज करके यू कैन जस्ट ब्रिंग इट डाउन टू 8 आवर्स. बट यू कैन नॉट जस्ट मिनिमाइज इट टू 1 or 2 आवर्स बिकॉज रिविजन इज द की. एंड वंस यू स्टॉप रिवाइजिंग उसके बाद अगर आप एक महीने बाद वही सेम नोट्स पढ़ते हो तो माइंड को फॉरन लगेंगे. यू विल थिंक यार ये नोट्स ये मैंने चीज़ें पढ़ी भी थी. सो जस्ट कीप रिवाइजिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड यू कैन नॉट जस्ट स्किप दिस पार्ट. एक्सपेक्टेड डेट का क्या होगी एग्जाम की, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो अभी 1 जुलाई हो गया है, सो वी एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट अगस्त में एग्जाम होगा. कि दे हैव टू इन्फॉर्म यू एटलीस्ट 15 to 20 डेज प्रायर एंड दे ऑल्सो हैव टू अरेंज द एग्जाम सेंटर्स एज वेल एज द क्वेश्चन पेपर. सो अगस्त में एग्जाम होगा, दे वॉन्ट डिले इट मच, प्रोबेबली अगस्त में होगा. नाउ फॉर दैट वन थिंग इज रिविजन, यू कैन नॉट स्किप दैट पार्ट. अदर थिंग इज क्यू बैंक. तो अभी क्या हुआ है कि नीट पीजी एग्जाम वाज ऑन लाइक आपके सामने था, सो आपको बहुत सारी अपनी वीकनेस पता लगी होंगी, स्ट्रेंथ्स पता लगी होंगी. तो यू शुड जस्ट फोकस ऑन योर वीकनेस टिल द डेट इज रिलीज. तो जब डेट आ जाएगी उसके बाद यू कैन जस्ट ब्रश अप योर रिविजन, बट उससे पहले फोकस ऑन द वीकर सब्जेक्ट्स ताकि आप रिलैक्स माइंड से ऑन वीक सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर सको. कमिंग टू द क्यू बैंक पार्ट, तो क्यू बैंक इस पॉइंट पे सिंस वी नो की डेट बहुत ही जल्दी की आएगी, तो वी कैन नॉट जस्ट डू न्यू क्वेश्चन. आई रिकमेंड टू फोकस ऑन द पी वाई क्यूज. क्योंकि अगर पी वाई क्यूज आपके रिफ्लेक्स में होंगे देन डेफिनेटली आपका एग्जाम में एक तो क्वेश्चन सही होगा, दूसरा इट विल सेव योर टाइम एंड यू कैन फोकस ऑन द अदर क्वेश्चन. क्योंकि पी वाई क्यूज सही करने का मेन पर्पज ये नहीं है कि पी वाई क्यू सही कर दिया, मेन पर्पज इज कि उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ. अगर आप सारे क्वेश्चन में 1.5 मिनट्स भी ले रहे हो तो पी वाई क्यूज में आपको 10 to 15 सेकेंड्स लगेगा. सो जस्ट डू द पी वाई क्यूज, प्रैक्टिस द पी वाई क्यूज बहुत अच्छे थे. एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई द रिफ्लेक्स ऐप विच इज ऑल्सो रिकमेंडेड बाई डॉक्टर आदित्य गुप्ता. इज अ वेरी ऑथेंटिक ऐप विद ऑल द अपडेटेड पी वाई क्यूज एंड इट इज द पी वाई क्यू ओनली ऐप. यू कैन प्रैक्टिस ऑल द पी वाई क्यूज देयर इन अ वेरी फास्ट मैनर एंड इट इज ऑल्सो वेरी इकोनॉमिक. द लिंक ऑफ द ऐप इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड द एक्सप्लेनेशन इज द गिवन देयर इज ऑल्सो वेरी क्रिस्प. सो यू कैन ट्राई द ऐप. नाउ वेलकम टू द जी टीज. सो फॉर जी टीज आई वुड सजेस्ट कि जब तक डेट नहीं आ रही यू कैन जस्ट प्रैक्टिस जी टीज लाइक वंस इन अ वीक और 2 GTs पर वीक. बट डेट आने के बाद यू वॉन्ट बी हैविंग मच टाइम. सो उससे पहले यू इफ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस जी टीज जस्ट प्रैक्टिस जी टीज. एंड सिंस यू वर वेल प्रिपेयर फॉर नीट पी जी एंड द नीट पी जी वॉज ऑन द वेरी नेक्स्ट डे वेन इट गॉट डिलेड, यू कैन जस्ट प्रैक्टिस 1 GT एंड सी वॉट लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू वॉज. एंड अगर एग्जाम उस दिन होता तो how much you could have done and there is a scope for improvement definitely. You can just focus on the GT till the date is released and definitely 20th copy ko is point pe nahi chhodna. Because agar aap ye wait kar rahe ho ki jab date release hogi uske baad I'll plan my quick revision strategy, so it won't work this time because you won't be getting enough time ki aaj date aa rahi hai and you won't expect ki date September October ki aayegi. It will definitely be in August. Okay, all the best guys.